हाँ तो इस वीडियो के अंदर हम पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, जो कंपनी है 2004 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 19 से 20 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी यहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग, यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनीज को यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और जिसमें अगर हम देखेंगे जो मेनली यहाँ पे जो लार्ज साइज और जो मीडियम साइज वाली जो कंपनीज होती है उन्हें ये कंपनी हमें सर्विस प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम कुछ सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है, वे एंटरप्राइज का जो डेटा मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वैसी सर्विसेज ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री से यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं, तो देखिए रिटेल इंडस्ट्री हो गया, मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, स्पोर्ट इंडस्ट्री हो गया, फार्मा एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से मेनली हमें यहाँ पे जो कंपनी के कस्टमर्स हैं वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम टोटली अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 182 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली देखा जाए तो ये नंबर काफी बड़ा है, क्योंकि अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे हार्डली 30 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ये कंपनी हमें यहाँ पे अभी करती हुई नजर आती है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ कैपेक्स करना है, यानी कि अपना जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे कंपनी को इंप्रूव करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे सूट ऑफ एक्सीलरेटर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे यहाँ पे जो कंपनी के जो सर्विस ऑफरिंग्स है कंपनी को उसको यहाँ पे कंपनी को इंप्रूव करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो मिडल ईस्ट और ईस्ट एशिया में यहाँ पे कंपनी को और अपना ऑफिसेज वगैरह यहाँ पे कंपनी को खोलने, अपना ज्योग्राफिकल एक्सपांशन करना है, यानी कि अभी इंडिया में एक कंपनी काम कर रही है तो इंडिया के अलावा भी यहाँ पे कंपनी को और अपना अगर हम बात करेंगे तो मिडल ईस्ट कंट्रीज और ईस्ट एशियन कंट्रीज में यहाँ पे ये कंपनी को यहाँ पे काम करना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 28 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और उसके अगेंस्ट लगभग 6 करोड़ के लगभग ये कंपनी ने प्रॉफिट किया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 33 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, उसके अगेंस्ट अराउंड 7 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया था। अगर हम अभी देखेंगे तो ये जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वो कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 5 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे अराउंड 3 करोड़ से यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। लगभग 7 करोड़ से नंबर हमें 4 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्टिकुलरली 23-24 ईयर ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर हम बाकी अगर हम आई टी कंपनी की अगर हम बात करेंगे, ऑल ओवर आई टी में हमने यहाँ पे स्लो डाउन देखा है, खास करके जो भी यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे जो कंपनीज काम कर रही है तो वहां पे कहीं ना कहीं हमने थोड़ा स्लोडाउन यहाँ पे देखा है। लेकिन मार्केट इसको लाइक नहीं करेगा, क्योंकि देखिए इतने छोटे बेस इफेक्ट पे ये कंपनी काम कर रही है और वहां पर अगर इतना ज्यादा फर्क अगर पड़ रहा है और तो वो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे लाइक नहीं करेगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 30 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 110 रुपये पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट चाहिए जहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि 1 लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 1,32,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 33 करोड़ 84 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पर नजर आता है। इसमें से अगर हम देखेंगे अराउंड 30 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे, और बाकी अगर हम 3.5 करोड़ की अगर हम बात करेंगे ये पैसा हमें कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 3 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, और 3 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 4 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एटडीएन अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 126 करोड़ के मार्केट कैप ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए पिछले साल की अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली अगर आप देखोगे जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ है और उसके ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे अगर 30 टाइम्स के पी रेशियो पे अगर ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव पॉइंट रहेगा मार्केट के लिए। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो काफी ज्यादा और हमें ऐसे में आईपीओ जब आते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा कुछ बड़े बड़े 3 से 4 मेन बोर्ड आईपीओ में नेक्स्ट वीक ओपन होते हुए नजर आएंगे,
तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं उनके जो लिक्विडिटी होगी उनको ऑलरेडी लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट रहेगा, और ये कंपनी में अगर हम देखेंगे कुछ भी ऐसा पॉइंट हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है कि जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो आईपीओ इन्वेस्टर्स होंगे उनकी यहाँ पे कोई ज्यादा फिनोमिनल डिमांड हमें ये कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा वो जो पैसा ये कंपनी यहाँ पे खर्च करेगी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए उसके रिगार्डिंग हो सकता है कि आने वाले लॉन्ग टर्म में थोड़ा कुछ बेनिफिट ये कंपनी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के पॉइंट से कोई ज्यादा इतना ज्यादा खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि एक बार के लिए लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए। लिस्टिंग के बाद में ये कंपनी को आपके रडार पे रखना चाहिए। अगर इस कंपनी में कुछ अच्छे डेवलपमेंट अगर होते तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि जो ये कंपनी को पैसा मिलेगा अगर उसके बाद में कुछ अच्छे ऑफरिंग्स अगर ये कंपनी निकालती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट फिर से कंपनी के रिगार्डिंग हमें इंटरेस्टेड होता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।